धर्म के आधार पर हो रहा है। यानी एक धर्म को पूरा पूरा टारगेट करके, एक धर्म को निशाना बना करके सिर्फ इस धर्म को खत्म किया जाए, ऐसा करके दो वर्ग में लगा हुआ है, एक इस्लामिक लैंड बनाने के लिए और एक मिशनरी छत्तीसगढ़ बनाने के लिए लगे हुए अपने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए कार्य कर रहे हैं। परंतु इसकी रक्षा सुरक्षा करने का कार्य छत्तीसगढ़ की सरकार का है, हमारे बने हुए संविधान का है। अगर नहीं करते हैं तो हमारे पास भी हमारे शास्त्र है, उसका अध्ययन हम हिंदू समाज को करना चाहिए और अपने शास्त्र के अनुसार जिस तरीके से हमारे देवी देवताओं ने इस देश के अंदर में राक्षसों का संहार किया और आज ये राक्षस रूपी धर्मांतरण करने वाले, राक्षस रूपी लव जिहाद करने वाले, राक्षस रूपी लैंड जिहाद करने वाले, ऐसे लोगों का संहार करना चाहिए और इस समस्या का हल स्वयं समाज को खोजना चाहिए और करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजा बेमेतरा शक्ति घाट में जो भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई है, मुस्लिम जिहादी मानसिकता के लोगों के द्वारा, उसके विरोध में पूरे छत्तीसगढ़ में 10 अप्रैल सोमवार को संपूर्ण छत्तीसगढ़ बंद रहेगा। साथ ही साथ 11 बजे से 2 बजे तक संपूर्ण रूप से चक्का जाम होगा। इसमें हम सभी प्रदेशवासी भाइयों बहनों व्यवसायी बंधुओं सबसे हम लोग निवेदन करते हैं, सभी देशभक्त नागरिकों, मुस्लिम राष्ट्रभक्त मुसलमानों से भी निवेदन करते हैं, वो भी इस दुर्दांत कृत्य की निंदा करें और समर्थन में साथ खड़े हों, इतना ही निवेदन है। जय श्री कृष्ण। केवल एक स्थान पर ही नहीं हो रहा है, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लौ जिहाद के प्रसंग हैं और जब जब भी ऐसा अवसर आता है तो अपनी दृष्टि से समाज की सुरक्षा के लिए हम समाज के साथ खड़े होते हैं, समाज को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं, कानून की दृष्टि से उनको भी संरक्षण देने की दृष्टि से, उनको न्याय देने की दृष्टि से हम कदम उठाते ही करते हैं। लेकिन ये जब तक समाज नहीं जगेगा, समाज स्वयं की सुरक्षा नहीं सोचेगा, अपने परिवार की सुरक्षा नहीं सोचेगा, तो कोई संगठन किसी की सुरक्षा, सरकार और पुलिस प्रशासन किसी की सुरक्षा सहज में नहीं कर पाएंगे। इस काम में आप लगे हैं, इसमें आपका भी साथ चाहिए। कल जो हमला हुआ है बीरनपुर शक्ति घाट साजा ब्लॉक जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ में, ये हमारे रविंद्र चौबे जी का विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग 50 घर के मुसलमान हैं। मैं वहाँ पर मौका वारदात में पहुँचा हूँ, बाद में कल ही सुन करके, क्योंकि सिमना के पास एक यज्ञ में था तो वहाँ पर जाकर के मैंने देखा, लगभग 50 से 60 मीटर की एक गली है जिस गली के दोनों तरफ मुसलमानों का मोहल्ला है। जो लड़का मारा गया, जिसकी हत्या की गई भुवनेश्वर साहू की, वो एक मजदूर बालक है, 22 साल की उसकी उम्र। वहाँ पर लगभग 5 साल पहले एक धर्म सभा हुई थी जिसके बाद से मुसलमान लड़के हिंदू बालकों को जय श्री राम, जय श्री राम करके चढ़ाते थे और जय श्री राम बोल ना बोले इसके लिए दबाव बनाते थे। आज वही इनका समय इतना प्रबल होकर के आया, शासन प्रशासन के सहयोग से कहीं ना कहीं इनको ऊपर में बड़े लोगों का समर्थन प्राप्त है, उस समर्थन के बल पर इन लोगों ने हिंदुओं पर आक्रमण किया, लौ जिहाद किया और जब बच्चे लोग उसका विरोध करने लगे तो झुंड में से एक बालक को उठा करके खींच करके घसीट के अपने गली में ले गए, जिसमें 6 वर्ष के बालक से लेकर के लगभग 90 साल के बूढ़े तक ने भी उस पर हमला किया है। और शासन वहाँ पर केवल 10-8 लोगों को पकड़ करके खाना पूर्ति कर रही है, ये खाना पूर्ति नहीं चलेगा। कल जो बंद है उसमें पूरे छत्तीसगढ़ के हिंदू बाहर निकले, नहीं तो पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा, अपने गांव से अपने घर से बाहर निकल करके शासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर और राष्ट्रपति के पास भी ये आवेदन हम लोग करेंगे, यदि छत्तीसगढ़ शासन और 50 घर के पूरे अमान वृद्ध नारियों को पकड़ करके यदि जेल में नहीं डालती है तो हम भारत के राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे। ये केवल भुवनेश्वर साहू पर नहीं, हिंदू पर हमला है, हर हिंदू पर हमला है। और यदि हिंदू अब नहीं जाएगा तो जैसे पाकिस्तान, जैसे बांग्लादेश, जैसे कश्मीर, जैसे केरल, जैसे बंगाल छोड़ करके आपको भागना पड़ा, वैसे छत्तीसगढ़ छोड़ के भागना पड़ेगा, हिंदू को जागना पड़ेगा। वहाँ पर लगभग 7 लोग गांव वाले बता रहे हैं, मैं तो कोई बाहर का आदमी घूमता फिरता रहता हूँ, संत महात्मा हूँ, संतों से व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। जो बालक मरा है उसका पिता खुद कह रहा था हम लोगों को जय श्री राम बोलने के बदले दबाव डालते थे महाराज जी, लेकिन हम लोगों ने राम राम कहना बंद नहीं किया, आज मेरे बालक को राम नाम लेने के कारण मार दिया।
इसको लेकर संत समाज क्या करने वाला है? इसको लेकर के हम संत समाज सबके सब शासन प्रशासन पर दबाव डालेंगे, जनता में जागृति पैदा करेंगे और भारत के राष्ट्रपति से यदि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार उन 50 परिवार को अरेस्ट करके 302 कर धारा जो विधिवत एक साथ मॉब लिंचिंग का केस है वो नहीं लगाती है तो हम राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति से चक्का जाम पूरे छत्तीसगढ़ में है और हमारे कार्यकर्ता समय जहाँ जहाँ जाम कर सकते हैं, जहाँ जहाँ चक्कर रोक सकते हैं, उसकी सीमा हम लोगों ने निर्धारित नहीं किया है। नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग, ऐसे सामान्य विकास खंडों के मार्ग जहाँ जहाँ रोक सकते हैं, जिसकी जितनी ताकत है क्षमता है उसके आधार पर हम रोकने का आग्रह किया। संगठन की दृष्टि से जितने हिंदू समाज है, पहले सकल हिंदू समाज से हम लोगों ने निवेदन किया है, सभी हिंदू समाज एक मत से अपने संगठन का अभिमान अभिनय से ऊपर उठकर ये घटना निंदनीय है, इसके समर्थन में हम सब लोग एक साथ खड़े हो और आर्थिक बहिष्कार का जो संकल्प है सब लोग सामूहिक में ज्ञापन जरूर देंगे। ज्ञापन हर जिले में दिया जाएगा। राजपाल को देने की तैयारी राज्यपाल को चंद्रशेखर वर्मा विश्व हिंदू परिषद प्रदेश कार्याध्यक्ष। विश्व हिंदू परिषद ने कल बेमेतरा जिले के साझा घटना को लेकर के छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। इस दौरान रायपुर में जगह जगह चक्का जाम किया जाएगा और इसके बाद राज्यपाल के नाम से राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए मांग की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद ने इस घटना की घोर निंदा की है और सभी सामाजिक संगठनों राजनीतिक संगठनों से मांग की है कि कल छत्तीसगढ़ प्रदेश बंद रखा जाए। रायपुर से amarujala.com के लिए मैं ललित सिंह राजपूत। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।